ये एक सवाल है, मैं इसको करना चाह रहा मगर थोड़ा इसको मैं टाइम लगा दिया। एक अशार्य दो बार है, समझ है। दो सवाल क्या है, दो अशार या चार जरब, दो अशार या चार जमा एक अशार या दो जमा एक अशार या दो, फिर दो अशार या दो जमा दो अशार या चार, दो अशार या चार जमा दो अशार या चार बटा दो जरब एक अशार या दो, दो जरब इसमें जो यक्स है वो काट नहीं सकते, जमा नहीं नहीं काट सकते। तो फिर उसके बाद दो अशार या चार मनफी एक अशार या दो, ये काट क्यों नहीं सकते, ये जैसा एक अशार या दो है, ये एक अशार या दो, ये दो अशार या चार, ये दो अशार या चार, ये नहीं काट सकते। कब काट सकते थे अपन, अब फर्ज कीजिए एक्स जरफ एक्स है या वाई है, यहाँ पर जेड है और नीचे आपको चल रहा एक्स जरफ ए जरफ बी इस टाइप पर चल रहा, यानी तमाम जो भी है वो सब जरफ है या तफसील है सर, तो ये एक सिक्स हम काट सकते और बाकी का रख सकते, यानी अब तो काट ही नहीं सकते क्योंकि रख नहीं करो, उनको जरब देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसा है अब नहीं हो जाता जब तक कि आप पूरा जो है या तो उनको मुश्तरक निकालिए या उनको जरब की सूरत में हिस्सा निकालिए उनके, तो फिर वो अगर कुछ आता है बाहर तो ठीक है। लेकिन आम तौर पे ये सवाल में जो कुछ ना कुछ एक तौसी सूरत है जो वर्क करती है, मिसाल के तौर पे अगर आप ऐसा लेते हैं कि भाई x जमा वाई कॉस की दूसरी, ये इसका इसका जो फैलाव है वो है x की दूसरी जमा दो एक्स वाई जमा वाई की दूसरी। अब यहाँ पर x या y बदल सकते लेकिन बहरहाल रहे, अब x की जगह पे हमें 1.5 ले रहे हैं या 2.5 2.4 और ये 1.2 है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, दो अशारिया चार जरब दो अशारिया चार, ये एक्स की दूसरी मतलब ये एक्स है उसकी दूसरी मतलब दोनों का जरब। अब फिर यहाँ जमा ले रहे हैं हम दो जरब दो क्या है, ये दो एक्स वाई दो जरब ये फैक्टर पर ये फैक्टर ये तीनों की जरब दो एक्स और वाई, तो यहाँ पर क्या है दो जरब दो अशारिया चार जरब एक अशारिया दो, फिर जमा फिर y की दूसरी यहाँ पर एक अशारिया क्योंकि एक अशारिया दो जरब एक अशारिया दो ऐसा। अब ये जब इतना सब समझ में आता कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है मगर असल में है क्या वो उसको देख के समझ जाना चाहिए, ये दोनों का जरब है, ये दोनों का जरब है, ये दोनों का जरब और उसके बाद फिर दो, इसका मतलब ये आ रहा कि कहीं तो भी ये जो है वो एक जाब्ता है तौसी जाब्ता वो है और वो यहाँ पर क्या हो जाता दो अशारिया चार जमा एक अशारिया दो कॉस की दूसरी। मगर ये सवाल में मैं इंग्लिश में देखता हूँ, एक बार जमा आया हुआ है, एक बार दो अशार्य चार जरब दो अशार्य चार तो है यहाँ पर, एक अशार्य दो जरब एक अशार्य दो भी है, दो अशार्य चार जमा दो अशार्य चार दो एक सुबह है, नीचे दो जरब एक अशार्य दो यानी दो अशार्य चार। अगर अपन मैनुअली भी पूरा हल कर दें, देखो अगर इसको हम पूरा हल भी करें 24 जरब 24 बोले तो कितना 24 की दूसरी कितनी होती 576, ये 5.2 के बाद अशारा नहीं होगा 576। अच्छा जमा 12 की दूसरी 144 दो के बाद अशारा, फिर 24 जमा 24 चार अशारिया आठ, नीचे 12 दूनी 24 एक के बाद अशारा लग रहा जमा दो अशार्य चार में से एक अशार्य दो गया चार में से दो गया दो देव में से एक गया एक ही हो गया जमा इस नीचे जमा सब तो ओके। अब ये इनकी जमा कर दी है अपन तो 12 आ रहा हूँ छः
और चार दस सिफर हासिल का है, एक आठ और चार बारह, बारह और आठ बीस सिफर हासिल के, दो दो और पाँच सात आठ, आठ और चार बारह ग्यारह, बारह और दो अशारिया चार और एक अशारिया इनकी जमा करें तीन अशारिया छः। इनकी अपन तकसीम करें तो वो आता बारह तिया छत्तीस, मगर अशारिया है ना यहाँ पे, यहाँ समझिए दस हो जाता, दस बटा तीन आता हूँ। सवाल में कुछ मसला है बोलना बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो जाता, लेकिन पूरा हल करे वक्त ये चाह रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस है। और मेरे ख्याल से वो यहाँ अगर उनको ज़रब देते हैं ये क्या हो जाता, दो ज़रब दो अशारिया चार, ज़रब एक अशारिया दो, ये क्या हो जाएगा, दो अशारिया चार जमा एक अशारिया दो फॉसिल। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अभी ये पूरा करें ना, ये चाहेगा दो अशारिया चार जमा एक अशारिया दो, ऊपर ये पूरी की दूसरी थोड़ी देर पहले जो बताया मैंने दोस्त, और ये कट गया, ये कट गया, जवाब आया 3.6 और ये जवाब है उसमें। अच्छा अब ये जवाब आने के वास्ते क्या गलती है, ये यहाँ पर जरा होगा जबकि सवाल में यहाँ पर क्या है जमा है, और वो उर्दू वाले में भी है इंग्लिश वाले। और अगर वो जमा ही हम तस्वुर करें सही तो फिर ये सब मैन्युअली भी करते बैठे हम, तो अभी आपको बताया मैंने तो वो जवाब क्या आना 10/3 वो बताएंगे ऑप्शन, और इसमें से ये ऑप्शन इजीली आ जाता, मगर ये इसका तो होगा कैसा, अब हम समझ के चलेंगे उसको ऐसा कि भैया क्या है ज़रा, तो उसको कैसा करेंगे मैडम। अच्छा कुछ नहीं भी ना तो ये तीन फार्मूले अच्छे से समझ लो, तो चलते रहेंगे बाद में, तो ये जब भी इस टाइप का सवाल आएगा समझ लो कि ये फार्मूले में से, ये कुछ हल वल करते बैठना है ही नहीं उसको, तो अब लेकिन उसमें थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत है कि वो जो मैंने आपको बताया अभी एक्स जमा वाई कॉस के जो तो पहला जो अदद है ये दो अदद भी जमा है और उनके पूरे इसकी दूसरी, तो आमतौर पर अगर हम पूछें या फिर किसी को ज़्यादा कुछ पढ़ावा भी नहीं है तो उन्हें बोलता बिल्कुल सीधा सीधा है वो एक्स की दूसरी जमा वाई की दूसरी होगा इसका फैलाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं, हम उसको साबित कर सकते क्यों नहीं होता, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको देखेंगे क्या क्या है। तो क्या पहला जो है उसका उसका स्क्वायर उसकी दूसरी, बाद में तीनों की जरा तीनों की जो भी है अंदर जो दो है और ऊपर की दूसरी सब वो तीनों की, लेकिन बहरहाल है दो एक्स वाई समझ के लिए ये तीनों में एक दो तीनों की जरा, और बाकी दूसरी की वाली जो है दूसरा जो फ्रैक्शन है फैक्टर है अदर है उसकी दूसरी। अब अगर हमने इसको माइनस में लिखते हैं हम इसको सब सेम चलेगा, ये नहीं माइनस सिर्फ यहाँ होगा यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि तो हम अगर माइनस वाली का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ माइनस है वो माइनस पाँच है उसकी माइनस पाँच की दूसरी की तो प्लस ही होगी, माइनस माइनस प्लस सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। और एक चीज़ है एक्स की दूसरी मनफी वाई की दूसरी, एक्स का मुरब्बा मनफी वाई का मुरब्बा, अगर कोई दो आदात का मुरब्बा है और बीच में माइनस की साइन प्लस नहीं बीच में माइनस की साइन, तो वो दोनों आदात असल में उनका जो अज्जा निकल रहे फैक्टर्स निकल रहे वो है एक बार वो दोनों एक ब्रैकेट में प्लस में और दूसरी बार माइनस में। लेकिन अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम उनको आदात में देखते हैं तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर इसका देखें कि भाई दो अशारिया चार जमा एक अशारिया दो पॉजिटिव दूसरी, अगर हम ऐसा लें एक्स के बजाय दो अशारिया चार और वाई के बजाय एक अशारिया दो, अब जब हम इसको ले रहे हैं ऐसा तो जाहिर सी बात है हम इसको स्क्वायर करें तो ये होगा दो अशारिया चार कॉस की दूसरी जमा दो जरब दो अशारिया चार जरब एक अशारिया दो, ये तीनों की जरब दी हमने उसके बाद और फिर एक अशारिया दो कॉस की दूसरी, तो फिर और थोड़ा कम्प्लीट मतलब पेचीदा किया गया, इसको जो है दो अशारिया चार जरब दो अशारिया चार लिखा गया, और इसको क्या किया गया क्योंकि ये दो अशारिया चार तो है ये दो अशारिया चार बारह दूनी फिर वो दो अशारिया चार बारह दूनी चौबीस मल्टीप्लाई और एक अशारिया क्या कर दिया गया उसकी दूसरी फिर अलग अलग कर दिया। अब इसको गौर करो और उस पर गौर करो सवाल, दो अशारिया चार जरब दो अशारिया चार एक अशारिया दो जरब एक अशारिया दो फिर दो अशारिया चार जरब दो अशारिया चार, यानी ये है किसका असल में ये है इसकी दूसरी, यहाँ तक हमने पहुँच लिया इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिले।
मतलब अलग 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 जगह पे, तो वो उसको हमको ये इस तरह कन्वर्ट कर, अगर हम समझ गए कि ये जो है इसकी दूसरी है, तो फिर हम यहाँ क्या बचा नीचे, तो ये क्या हुआ कि भाई ये जो पूरा है वो असल में इसकी दूसरी, क्योंकि 2.4 + 1.2 और अब नीचे क्या हुआ, 1.2 + 2.4 = 2.4 में से 1.2 गए, 1.2 सेम है दोनों। तो अब इसको अगर ऐसा लिखूँ मैं एक्स की दूसरी लिखूँ उसको, तो नीचे कौन है एक्स, फिर मैं एक्स और एक्स की दूसरी में कहीं एक्स कैंसिल कर रहा है, जवाब क्या एक्स से वही हो रहा हो, ये कैंसिल हो रहा, 2.4 + 1.2 जो है 3.6। अब मेरे हिसाब से ये है थोड़ा प्रिंट इसलिए कर, अगर ये नहीं है और यहाँ जमा है, तो फिर इसको इस टाइप का कोई है नहीं शॉर्टकट के भाई हम इसको इस तरह करें और उसको वो नहीं हो, नहीं रास्ते में बैठ ही नहीं पा रहा है। अगर हमने देखे उसको मैन्युअली करके पूरा हल करके भी देखेगा कि तो ज़्यादा नहीं है ये छोटे छे हैं, इनको अपन आसानी से जमा वगैरह और तकसीम कर लेते, तो वो जो आ रहा वो ऑप्शन में नहीं, वो पहले से मैंने देख रहा, तो मेरे सवाल में कुछ तो भी था वो, बहरहाल हो गया सवाल।